दोस्तों देखिए, एक फ़ोटो होती है इस तरह से जो यूएस वीज़ा में पासपोर्ट साइज के लिए तैयार करते हैं, तो इस तरह की फ़ोटो चलेगी नहीं क्योंकि इसमें पीछे बैकग्राउंड में शेडो वगैरह है। और एक फ़ोटो और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कुछ फ़ोटो इस तरह की होती है जिसमें नज़रें थोड़ी टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, तो वो फ़ोटो भी नहीं चलेगी यूएस वीज़ा के लिए। और कुछ फ़ोटो ऐसी होती है जिसमें चश्मे वगैरह लगा के क्लिक करवा लेते हैं, तो वो फ़ोटो भी मान्य नहीं होगी यूएस वीज़ा के लिए। और देखिए, कुछ फ़ोटो इस तरह की होती है जो कि बैकग्राउंड प्लेन नहीं होती, पीछे खिड़की दरवाजे वगैरह आ जाते हैं, तो वो भी वीज़ा के लिए पासपोर्ट फ़ोटो में मान्य नहीं होगी। और देखिए, कुछ फ़ोटो इस तरह की होती है जिसमें एक तरफ शेडो होती है, एक तरफ लाइट होती है, तो इस तरह की फ़ोटो यूएस वीज़ा पासपोर्ट के लिए नहीं चलेगी। तो हमें किस तरह की फ़ोटो चाहिए, तो यूएस वीज़ा पासपोर्ट के लिए हमें किस तरह की फ़ोटो चाहिए और उसका क्या साइज़ होगा, आज की वीडियो में यही देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इन फ़ोटो को कट कर लेता हूँ और अभी हम देखेंगे किस तरह से हमें यूएस वीज़ा पासपोर्ट फ़ोटो के लिए। तो चलिए देखिए, मैं आपको फ़ोटो ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये दो फ़ोटो ओपन कर लिए, देखिए हमें इस तरह की फ़ोटो नहीं चाहिए। देखिए, जैसे इसमें ये शेडो वगैरह आ चुकी है इस फ़ोटो में, एक तरफ आप शेडो देख सकते हो, तो इस तरह की फ़ोटो नहीं चलेगी पासपोर्ट वीज़ा के लिए। देखिए, हमें इस तरह की फ़ोटो चाहिए जिसमें जो फ़ोटो बिल्कुल स्ट्रेट हो, आइज एकदम परफेक्ट सामने हो और दोनों ईयर साफ दिखाई दे रहे हो, इस तरह की हमें फ़ोटो क्लिक करनी है और पीछे बैकग्राउंड वाइट हो। तो देखिए, हमें इस तरह की फ़ोटो ले लेनी है। और अब हमें करना क्या है दोस्तों, और दोस्तों देखिए, मेरे पास कुछ ड्रेस है तो मैं इसमें ड्रेस चेंज करूँगा क्योंकि यूएस वीज़ा पासपोर्ट के लिए बनाना, तो ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी इसकी। कोई भी, मैं एक कोट लेता हूँ इस तरह से, देखिए, और कंट्रोल टी करके शिफ्ट दबा के इस तरह से बड़ा कर लेंगे इसको। पहले मैं इसको इतना कट कर लेता हूँ, एक बार मार्कर टूल लेके इतना कट कर लेता हूँ, नीचे वाले को हटा देता हूँ। और देखिए, कंट्रोल टी करके हमें इस तरह से सेट करना, पहले कोट को इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे, गर्दन से मिला लेंगे इस कोट के किनारों को, देखिए इस प्रकार से, इस तरह से हमें मिला लेने हैं और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें अब सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज़ डालना है, वीज़ा के लिए जो साइज़ होता है वो साइज़ यहाँ पे पहले क्रॉप टूल लेंगे। और तो देखिए, यहाँ पे हमें ऊपर साइज़ डालना है 2 इंच और हाइट में साइज़ डालेंगे 2 इंच। तो ये वीज़ा का जो पासपोर्ट फ़ोटो होता है वो 2x2 इंच का होता है, रेजुलेशन 300 रखेंगे और फ़ोटो को पहले इस तरह से क्रॉप कर लेंगे, इस प्रकार से क्रॉप कर लेंगे। फेस को हमें 70% दिखाना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फेस को 70% दिखाना है। इस तरह से हमें, देखिए जैसे मैंने ये क्रॉप किया है, इस तरह से हमें क्रॉप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। कंट्रोल प्लस से फ़ोटो को बड़ा करेंगे और आप अपनी फ़ोटो की फिनिशिंग एडिटिंग वगैरह करना चाहे तो कर सकते हो। जैसे इसमें पिंपल्स वगैरह है तो फ़ोटो को सेलेक्ट करके माउस से, अभी ड्रेस हमारी सेलेक्ट है, फ़ोटो को सेलेक्ट करके और हीलिंग ब्रश टूल लेंगे यहाँ पे, और जो क्लीन एरिया है फेस में वहाँ पे ले जाके ऑल्ट दबा के और क्लीन एरिया से सोर्स उठाएंगे माउस से क्लिक करके, और इस तरह से जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स वगैरह है, इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। जितने भी इमेज में, आपकी इमेज में पिंपल्स वगैरह, दाग धब्बे वगैरह हो, इस प्रकार से सभी को रिमूव कर सकते हैं हमें बहुत ही आसानी से इस तरह से। तो देखिए, इस इमेज में दाग धब्बे वगैरह हट चुके हैं। और दोस्तों, एक चीज़ जो आपको और ध्यान रख लेनी है, जैसे ये फेस पे तिल है, ये इसके इसमें नेचुरल तिल है, तो इन चीज़ों को हमें हटाना नहीं है, चाहे कट का निशान हो या कोई भी निशान हो जो फेस पे आपके परमानेंटली है, तो उस चीज़ को हटाना नहीं है, नहीं तो आपका पासपोर्ट फ़ोटो मान्य नहीं होगा। अब जैसे मैंने इसमें पिंपल्स वगैरह तो हटा दिए,
लेकिन ये जो तिल वगैरह है ये मैंने ऐसे ही रख दिए है। और अब हमें करना क्या है, अपने लेयर पैनल को ओपन कर लेना विंडो से। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारी लेयर पैनल ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए हमारी दो लेयर है, एक ड्रेस वाली एक फ़ोटो वाली। तो हमें करना क्या है, पहले तो देखिए नीचे की ड्रेस हमारी इस तरह से फ़ोटो में दिखाई देगी, तो हमें नीचे वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करके और पेन टूल ले लेना है। और इस तरह से पहले सिलेक्शन बना के इस प्रकार से और कंट्रोल एंटर करके डिलीट बटन प्रेस करना है। अगर इस तरह से दूसरा कलर नीचे आए तो आपको करना क्या है, यहाँ बैकग्राउंड में क्लिक करके वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट बटन फिर से प्रेस करना है। तो इस तरह से ये वाइट आ जाएगा और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का इस तरह से सिलेक्शन बनाना है और इसे भी सेम प्रोसेसर के साथ डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ड्रेस को सिलेक्ट करना हमें, और यहाँ पे आप साइड में देखते होंगे यहाँ इसके ड्रेस की ये किनारियाँ दिखाई दे रही है, तो हमें करना क्या है, यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन बनाना है और फैदर लगा के इसमें सेलेक्ट में जाके फैदर पे जाएंगे, एक का फैदर रखेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो ये अनचाहिए ड्रेस यहाँ से हट जाएगी, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमें देखिए दूसरी साइड से भी हमें इसी प्रकार से हटा देना है ड्रेस के अनचाहे हिस्से को। और दोस्तों देखिए अब हमारा ये फोटो कंप्लीट हो चुका है। हमें करना क्या है, यहाँ लेयर को इसको मर्ज कर देना है, पिन करके कंट्रोल ही कर देंगे तो ये एक लेयर में आ जाएगी। और सेलेक्ट में आके यहाँ से हमें नॉइस पे आके जेपीजी क्लिनिक पे आना है और यहाँ पे समुद्रश 1020 जितना चाहे उतना यहाँ पे रखेंगे इमेज के अनुसार, ओके कर देंगे। देखिए हमारी ये फ़ोटो अब रेडी हो चुकी है। और कंट्रोल ए करके एडिट पे आके स्ट्रोक पे आएंगे, यहाँ से 5 पिक्सल रखे, कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ब्लैक, ओके कर देंगे, यहाँ भी ओके कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और कंट्रोल एन से एक न्यू शीट लेंगे, जिस भी शीट पे आप फोटो बनाना चाहते हैं वो शीट ओपन करेंगे। तो दोस्तों अब जैसे मैं 5x7 की शीट पे तैयार करूँगा इसके फोटो और ओके कर देंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल वी से फ़ोटो को पेस्ट करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, देखिए इस तरह से फ़ोटो आ जाएगी। माउस से पकड़ के साइड में इस तरह से रखेंगे आप देखिए, और कंट्रोल जे से कॉपी कर लेंगे, इस तरह से लेके आएंगे, कंट्रोल ई करेंगे तो दोनों फ़ोटो एक लेयर में आ जाएंगे, कंट्रोल जे से फिर से कॉपी करेंगे और नीचे ले आएंगे, इस तरह से ले आएंगे फ़ोटो को, और कंट्रोल जे से फिर से कॉपी करेंगे, फिर से माउस से नीचे लेके आएंगे। तो हमारे छः फ़ोटो 5x7 की शीट पे तैयार हो जाएंगे यूएस वीज़ा पासपोर्ट फ़ोटो के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमें यूएस वीज़ा पासपोर्ट फ़ोटो के लिए अपने पासपोर्ट फ़ोटो तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से फोटोशॉप 7.0 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।